फ्रेंड्स फ्रेंड्स उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स आपको याद है होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने रैबिट्स के लिए ऑटोमेटिक ड्रिंकर नोजल मंगवाई है। ये देखें लगी हुई है ये सामने, जिसका फायदा ये है कि इस नोजल को हम पानी की बोतल के साथ अटैच करते हैं और रैबिट जितना चाहे पानी पी सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना पानी वो खींचेंगे उतना पानी ही वो पी सकेंगे, बाकी पानी बॉटल में रहेगा। इस तरह पानी ज़ाया भी नहीं होगा और पानी साफ भी रहेगा। और ये किस तरह काम करता है इस डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, तो वो जाके वीडियो देख लें आप कि ये क्या है नोजल ऑटोमेटिक ड्रिंकर और किस तरह काम करता है, वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख लें। तो फ्रेंड्स मुझे ये डर था कि ये रैबिट कहीं इस ऑटोमेटिक ड्रिंकर को इस्तेमाल करना ना सीख पाएँ। और ये जो मैंने नीचे रखा हुआ है पानी का बर्तन, इसी में पानी पीते रहे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने कल पानी की बोतल फिल की थी, तो जब आज मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि आधी बोतल पानी की इस्तेमाल हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि रैबिट्स ने बहुत जल्दी ही इस ऑटोमेटिक ड्रिंकर नोजल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इसको सीख लिया है और ये जो टब वाला पानी है इसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है और गंदा भी है आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर नोज़ल है इसका ये फ़ायदा है कि भी पानी गंदा नहीं रहता, पानी साफ रहेगा और ज़ाया नहीं होगा, जितना पियेंगे उतना ही रहेगा इनके लिए आएगा मुँह में इनके, और लॉन्ग टर्म तक ये पानी चलेगा। बंदे को कभी देर सवेर भी होती है अपने बर्ड हाउस में आने के लिए तो पानी ख़त्म नहीं होगा, दो ढाई दिन पानी चल जाता है इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये रैबिट मेरे सामने शर्मा रहे हैं पानी पीने से, लेकिन ये पानी इसको पी रहे हैं ये देखें। और आपको पता है कि मैंने अपने तमाम बर्ड्स के केजेस में ऑटोमेटिक फीडर भी लगाए हुए हैं और ड्रिंकर भी लगाए हुए हैं, इससे ये होता है कि मैं डेली दाना नहीं डालता और पानी भी तकरीबन डेली डालने की ज़रूरत ही पड़ती, लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं आजकल तो मैं पानी तब्दील कर देता हूं तकरीबन हर रोज़ ही। लेकिन कभी होता है इंसान बिजी होता है तो ऊपर नहीं आ पाता टाइम पे, तो पानी मौजूद होता है पीने के लिए हर टाइम, प्यासे के नहीं रहते। अब सर्दियाँ आगे आएंगी तो पानी लॉन्ग टर्म चलेगा, डेली बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदे का सेटअप डिफरेंट होता है, तो लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ और मुझे यही चीज़ सूट करती है, मेरे बर्ड्स को भी। ये देखें ये पैलेट दाना खा रहा है ऑटोमेटिक फीडर से, जितना खाता है उतना ही आएगा, ज़ाया नहीं होगा दाना, बहुत कम दाना ज़ाया होता है, लेकिन ज़ाया होता है लेकिन कम होता है बाकी जो मैनुअल ड्रिंकर फीडर की नस्बत। सबसे बड़ी बात है कि गंदा नहीं होता आपका दाना और पानी भी। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने भी रैबिट्स रखे हुए हैं अपने पास तो आप भी फ़ौरन बाज़ार से ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर नोजल मंगवाएं। ये देखिए आप ऐसी होती है ये, इससे आपके रैबिट के पास हर टाइम पानी मौजूद रहेगा, जब चाहे वो पानी पी सकेंगे, साफ पानी पीने को मिलेगा इन्हें और पानी को ज़ाया भी नहीं करेंगे ये। कभी आप ऊपर आने में देर हो जाए आपको तो पानी के पास अवेलेबल होगा साफ पानी। अब जैसे कि ये था मेरे पास ये बर्तन पानी का, डेली मुझे पानी चेंज करना पड़ता था इसके अंदर, क्योंकि डेली पानी गंदा कर देते थे ये, इसके अंदर मिट्टी कर देते थे, पानी मट्टी वाला कर देते थे, जो कि इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि पानी गंदा नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। तो साथ साथ रैबिट्स के लिए भी आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाएं और अपने बर्ड्स के लिए भी मेरी तरह ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर का इस्तेमाल करें, इससे आपका वक्त भी बचेगा, दाना भी बचेगा और पानी का ज़्याया भी नहीं होगा और साफ़ सुथरा दाना पानी रहेगा। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिसको अगर आप अपने बर्ड्स के लिए एनिमल्स के इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छे और समझदार पेट लवर बर्ड लवर या सेंसर के लाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको चलना चाहिए। ओल्ड मेथड पर चलेंगे
तो टाइम भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है और पैसा ज़ाया भी होता है। जदीद तरीक़े पर चलेंगे तो उसमें आपका भी भला भी आपके बॉस का भी भला है। लेकिन जितनी आपकी सतत है उसमें कोशिश करें कि जदीद रहें, अप टू डेट चीज़ें इस्तेमाल करें, ओल्ड मेथड्स को भूलें और नए सीखें। एक अच्छा जो फैंसी होता है, पेट लवर होता है या एनिमल लवर होता है, वह नए से नए तरीके और अप टू डेट रहता है अपने पेट्स के लिए और बर्ड्स के लिए, फैंसीज के लिए। उसमें उसका अपना फ़ायदा भी होता है और अपने उसके बर्ड्स को भी फ़ायदा मिलता है और लॉस भी उसको कम होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये पानी है, ये पानी मैं रखता था, डेली गंदा पानी होता था, सुबह आता था मैं, तो ये डायबिटीज मैंने गंदा पानी पीते थे, गंदा पानी पीने की वजह से डायबिटीज बीमार होंगे, बीमार होंगे तो फिर खुदा खास्ता इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये भी एक लॉस है, एक रैबिट्स के लिए भी लॉस है क्योंकि जानदार चीज़ें मर गई आपकी गलती की वजह से, और आपका लॉस भी क्योंकि आपने पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसकी नस्बत ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, ये जितना पानी पियेंगे उतना पानी आएगा, बाकी पानी ज़ाया भी नहीं होगा, साफ भी रहेगा। इससे इनकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, रैबिट बीमार भी नहीं होंगे और लॉन्ग लिव रहेंगे, अच्छी तंदुरुस्ती से गुजार रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपका फ़ायदा भी है, रैबिट्स का भी फ़ायदा भी है। तो ये होती हैं स्मार्ट चीज़ें जो आप लोगों को अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड, उम्मीद है आज की व्लॉग में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में मैंने बताया कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर मेरे बर्ड जो रैबिट्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको इस्तेमाल करना सीख लिया, इसके जरिए पानी पी रहे हैं वो, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है मेरे लिए। बाकी ये मेरे पास इस टाइम बर्ड्स पड़े हुए हैं, आप देख लें, फ़िलहाल इतने ही हैं। इंशाल्लाह मौसम तब्दील होगा तो सेटअप बढ़ाएंगे अपना, मुर्गियों भी रखेंगे, हीरा सील भी रखेंगे। गर्मी में फिलहाल इतने काफ़ी है, चीज़ें जो रखी मैंने संभालना मुश्किल होती हैं। इस टाइम टेम्परेचर देखें फ्रेंड्स आप, तो 30 सेल्सियस है जो कि मुनासिब टेम्परेचर है इस टाइम, क्योंकि बारिशें आजकल हो रही हैं और नमी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल है बर्ड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल है नॉवल्स केयरिंग, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसमें आपको उर्दू नॉवल सुनने को मिलेंगे। उस चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इन्हीं बर्ड्स का चैनल में सपोर्ट करें, लव करें और इस चैनल का सपोर्ट भी करें, अपने फ्रेंड दोस्तों से शेयर करें, अपना अपने घरों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।